गाइस गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी न्यूली वेड मेकअप लुक अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो आप इस तरीके से मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो मेकअप लुक मेंस में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करने वाली हूँ मेकअप मीन्स एक सटल सा मेकअप है इजिली कर सकते हो बहुत जल्दी से कर सकते हो और ना आप इस तरीके से घर पे रेडी होकर रह सकते हो अगर आपकी नई नई शादी हुई है और यहाँ पे ना मैं ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने वाली हूँ बहुत मिनिमम सा प्रोडक्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी और किस तरीके से आपको करना है क्या का यूज़ करना है ताकि बहुत ज़्यादा ना लगे बहुत ओवर ना लगे आप ना एक सर्टल सा लुक क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से और बिल्कुल कोई फाउंडेशन मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करना सो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लूँगी एंड स्किन केयर से ही आपका आधा मेकअप हो जाता है घर में तो स्किन केयर के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने गुड वाइब्स का टोनर अप्लाई किया है एंड सीरियसली uh, बता रही हूँ कि मेरा जो रियल स्किन केयर है वो यही सारे प्रोडक्ट में अप्लाई करती हूँ तो टोनर के बाद मैंने यहाँ पे गार्नियर का विटामिन सी बूस्टर सीरम मैंने अप्लाई किया है ये मेरा पर्सनल फेवरेट सीरम है सो so, ये वाली सीरम बहुत ही अच्छा है ये ना आप अगर अप्लाई करते हो तो धीरे धीरे आपके फेस पर अगर पिगमेंटेशन वगैरह हैं डार्क सर्कल है डार्क स्पॉट है ये सारे ना धीरे धीरे कम होते जाएगा तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो तो अच्छे से मैं सीरम को अप्लाई कर लिया है सीरम अप्लाई करने के साथ साथ आप देख सकते हो फेस पर एक अलग सा ग्लो आ चुका है नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आईब्राउज को फिल कर लूँगी आई फिल करने के लिए यहाँ पे आप सिंपल सा पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो मेरा आईब्रोज इतना ज़्यादा ठीक है कि मैं घर पर इसे बिल्कुल भी यू नो फील नहीं करती हूँ फिर भी मैंने यहाँ पे एक हल्का सा मैंने फ़िल किया है गैप को फिल किया है ताकि अच्छा दिखे तो इस तरीके से मैंने गैप को फिल किया है आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने आईब्राउस को सेट किया है बस गैप को थोड़ा सा फिल करके कम कर लिया है एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे दी डर्माको का मॉइस्चराइज़र क्रीम अप्लाई कर रही हूँ जो कि रिसेंट मेरा फेवरेट बन चुका है मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाली मॉइस्चराइज़र एंड इस मॉइस्चराइज़र को मैंने अच्छे से टीचर ने रेज अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ऑल्सो मैंने क्या किया है नेक रेज पे भी अप्लाई किया है तो ये था स्किन केयर रोटीन जो कि आपको करना ही है स्किन केयर तो आप अगर अपनी स्किन केयर नहीं करते हो सीरम वगैरह अप्लाई नहीं करते हो तो आप स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके फेस को हाइड्रेट करने के लिए हाइड्रेट रखने के लिए सो so, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसीलर ले लिया क्योंकि मैंने आज कोई भी फाउंडेशन वगैरह अप्लाई नहीं करूँगी फाउंडेशन से फेस बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा तो जिसको बहुत ही सिंपल सा लुक पसंद है उनके लिए ये मेकअप लुक है कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे मेबलिन न्यूर्क का कंसीलर ले लिया है इन दी शेड ट्वेंटी 25 मीडियम ये जो शेड है ना ये बिल्कुल मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग है तो आपको ज्यादा लाइटर शेड नहीं लेना है एंड कंसीलर को मैंने अंडर आई पिया आईलिट पर फॉर एंड नोज़ के अराउंड माउथ के अराउंड थोड़ा सा जॉ लाइन पर अप्लाई किया है एंड बहुत ही कम क्वांटिटी अप्लाई किया है सो so यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको कंसीलर वहीं पे अप्लाई करना है जहाँ पे थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन है थोड़ा बहुत पिगमेंटेड uh, एरिया है वहाँ पे मैंने अप्लाई किया आप देख सकते हो अंडर आई आई माउथ के अराउंड तो यहाँ पर ना थोड़ा सा पिगमेंटेशन रहता है तो वह पे अप्लाई किया बट जब आप ब्लेंड करोगे तो ब्लेंड करते टाइम एक बार ध्यान में रखना है पहले तो जहाँ पे अप्लाई किया वहीं पे ब्लेंड करना है बैट बाद में ब्यूटी ब्लेंडर को पूरे फेस पर एक बार घुमा लेना है मतलब उसी ब्यूटी ब्लेंडर से जितना प्रोडक्ट रहेगा ना उसी से पूरे फेस पर आपको डैब डब कर लेना है इससे आपका वेस इवन लगेगा तो अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया है और नेक पर भी मैंने अप्लाई किया है ताकि फेस नेक सेम दिखे तो यहाँ पे बिल्कुल भी लाइटर शेड मैंने अप्लाई नहीं किया है तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है ज़्यादा लाइटर शेड अप्लाई नहीं करना है नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक यू uh, नो you know, एक नेचुरल ब्लाश यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है सबसे पहले एक लिप शेड ले लिया है वो पिंक कलर का एंड पिंक शेड के साथ यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटर मैंने ऐड किया है जो कि पाउडरी हाईलाइटर है एंड साथ में थोड़ा सा कंसीलर तीनों को मैं मिक्स किया यहाँ पर मैंने हाईलाइटर क्यों लिया ताकि ये ना फेस पर एक अलग सा ग्लो दे अलग से अगर हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे तो वो ना ज़्यादा उभर दिखेगा डे टाइम के लिए बहुत ज़्यादा उभर दिखेगा अगर आप इस तरीके से ब्लश के साथ मतलब मिक्स करके लगाओगे इस तरीके से तो क्या होगा ये ना नेचुरल सा ग्लो प्रोवाइड करेगा आप देख सकते हो और जितना ब्लश आपको दिख रहा है ना इतना बिल्कुल नहीं दिखेगा टेंशन मत लेना उसके बाद मैंने यहाँ पे फेसिस कनाडा का कॉम्पैक्ट पाउडर से पूरे बेस को सेट करूँगी जब हम किस बेस को सेट करेंगे तब ना ये ब्लाश आपको जितना दिख रहा है ना इतना नहीं दिखेगा ये बिल्कुल एक अलग सा ग्लो दिखेगा फेस पर बिल्कुल भी ये रियल में ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्लाश है ये, ये है बिल्कुल नहीं दिखेगा इसका ना अलग सा एक बेस बन जाएगा बहुत ही फ्लोलेस बेस बन जाता है लेकिन किसी को पता नहीं चलता है कि आपने इतना कुछ अप्लाई किया है तो ज़रूर एक बार ट्राई करना इस तरीके से तो पाउडर से सेट करने के बाद आप खुद देख सकते हो ये ना एक नेचुरल सा ग्लो मतलब नेचुरल ब्लास्ट लग रहा है नेचुरल सा ग्लो आ रहा है बिल्कुल नेचुरल दिख रहा है तो पूरे फेस को मैं सेट कर, 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 कर लिया है इस फेसिस कनाडा का कॉम्पैक्ट पाउडर से नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आइस पे थोड़ा सा कुछ आ, अप्लाई करने वाली हो सबसे पहले मैंने टी का काजल का ले लिया काजल को लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई किया एंड सेम काजल को मैंने अपर वाटर लाइन पर भी अप्लाई करूंगी आई मीन अपर लास्ट लाइन पर अप्लाई करूँगी सॉरी तो आप पर वाटर लाइन पर भी मैंने टाइट लाइन करके काजल को अप्लाई किया है बाद में आप लोग देख पाओगे तो सबसे पहले मैंने लोअर लश लाइन पर अप्लाई किया एंड उसके बाद मैंने आप लाइन पर अप्लाई किया है काजल तो इस तरीके से मैंने बहुत हल्का सा काजल मैंने यहाँ पे लिया है बहुत हल्का सा मैंने अप्लाई किया है इस तरीके से एंड उसके बाद मैंने क्या किया फिंगर के हेल्प से थोड़ा सा इस कर दिया है इससे ना बहुत ही अच्छा आपके आईज़ बहुत अच्छा दिखेगा एंड ज़्यादा हैवी भी नहीं दिखेगा कि आई मेकअप अपने बहुत ज़्यादा आई मेकअप आई उसमें अब आई शेडो लगाए हैं तो बहुत सिंपल सा है तो इस तरीके से फिंगर से मैंने स्मैच कर दिया है ठीक है तो दोनों आइस का मैंने स्मैच किया उसके बाद मैंने इस न्यूड आई शेडो पैलेट में इसे ये वाला शेड ले लिया है ये थोड़ा सा ब्राउन काइंड ऑफ शेड में है एंड बहुत हल्का सा मतलब थोड़ा सा लेके आपको डस्ट ऑफ आप करना है बहुत अच्छे से उसके बाद उसी ब्रश को इस तरीके से घुमा देना है हल्का सा यहाँ पे शेडू क्रिएट होगा बस कुछ नहीं तो इतना ही मैंने अप्लाई किया है एंड ट्रास्ट में तरीके से आप डेली के लिए डेफिनेटली कर सकते हो मेका अगर आप न्यूली वेड हो इतना बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं है इससे ज़्यादा लोग करते हैं लेकिन अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो उसके बाद मैंने आप और बॉटर लाइन पर टाइट लाइन करके थोड़ा सा काजल अप्लाई किया ये ऑप्शनल है आप कर भी सकते हो अगर आप अनकम्फर्टेबल हो तो आप नहीं भी कर सकते हो स्कीप कर सकते हो इट्स ओके नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा मस्कारा भी अप्लाई करूंगी एंड मस्कारा अप्लाई करने से पहले आईलश को थोड़ा सा कॉल कर लूँगी ताकि मस्कारा थोड़ा सा अच्छे से दिखे एंड आप देख सकते हो लाश को काल करने के बाद ना मस्कारा अप्लाई करते हूँ तो अब कल आईलश बहुत अच्छा दिखता है एंड मेरा ना बिल्कुल सीधा सीधा है तो थोड़ा सा अगर मैं कॉल कर लेती हूँ तो ये थोड़ा सा दिखता है मैंने यहाँ पर मार्स का मस्कारा अप्लाई किया है कोई भी ब्रांड का ले सकते हो मैं बिल फिट स्किन का वाटर प्रूफ भी अप्लाई कर सकते हो वो भी बहुत अच्छा है नेक्स्ट मैं यहाँ पर मार्स का फैन फेस पैलेट में से ये जो शेड इससे थोड़ा सा मैंने अप्लाई किया है बिल्कुल थोड़ा सा आ, मतलब इसलिए भी आप स्किप भी कर सकते हो लेकिन अगर आप थोड़ा तो सा हेल्दी हो तो थोड़ा सा ब्रोंजिंग करोगे तो फेस अच्छा दिखता है नेक्स्ट में यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर से मेकअप को सेट एंड लॉक कर लिया है ताकि ये पूरा दिन टिका रहा है एंड उसके बाद एक मैरून सा लिप ले, कलर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है आप रेड भी अप्लाई कर सकते हो अपने पसंद का एंड द फाइनल लुक, गाइस तो कितना ज्यादा नेचुरल दिख रहा है एंड कितना ज्यादा ग्लोई दिख रहा है सो so, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो इस तरीके से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए शेयर करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कीजिएगा सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ लव गाइस